तो विशाल खबर के दर्शकन का हमार राम राम। हमारे बीच में मौजूद हैं ददोली भाई। तो आज हम सुना दादू कार्यक्रम में एक धार्मिक चर्चा करा चाहिए थे ददोली भाई। हाँ, कि अबे बीच में रामनवमी बीती, हनुमान जयंती आई, तो हमका एक चीज ये लागत है कि जैसे रामनवमी में देखी लोग कन्या खवावत है। हाँ, बड़े सकारे से माने नहा धो के नंगे पांव माने। अरे अब देखे नहीं पूरा लागत रहा कि सगला सतना धर्ममय हो। ठीक है, इतनी पूजा ले। अपन एक चीज ये बताई हमें जो लागत है माने जितने पुजेरी हैं अगर इन्हीं अपना इनका कायदे से जो इनका वीडियो बना ली जाए, जो उन सकारे से पूजा करे जाते, जो उन कन्या खवावत हैं, जो उन मैहर दर्शन करे जाते फिर वहाँ से सेल्फी खींच के डाल देते, इनका अगर पूरे दिन के वार्तालाप का रिकॉर्ड कर लिया जाए तो इन्हीं के मुंह से महतारियों के गारी निकल रही। हाँ, इन्हीं के मुंह से बहनियों के गारी निकल रही, इन्हीं के मुंह से बिटियों के गारी निकल रही। माने इतनी दिन भर में इतनी गारी देते हैं और फिर जब धर्म कर्म करके बात होती तो इतना धर्म कर्म करते। माने ये दोहरा चरित्र जिए का मतलब का है, हमारे एक चीज़ें ना समझ में आई। हाँ तिवारी जी ठीक अपना कह रहा। मैंने अपनों को यतर दिखात हुई। हाँ, अपनों के संपर्क में 400-500 लोग यतर हुई हैं जे माने दिन भर में 1000 बेर गाड़ी देत हुई हैं, 500 गाड़ी देत हुई हैं, लेकिन जब पूजा करने के बात आवत थी। हाँ, भयानक पुजेरी तो यतर पूजा करने लागत है कि फिर अब इनसे ज़्यादा माने महिला का सम्मान, इससे ज़्यादा बिटियन का सम्मान, इससे ज़्यादा बहनिन का सम्मान अब को करबे ना करी। देखिए तिवारी जी, जैसे हम अपना से चर्चा करा करी थे कि समाज में धीरे 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 निरंतर बदलाव होत रहा थे। कौनो दौर का हो के चला, कौनो दौर का हो के चला, यह टाइम जौन सामाजिक बदलाव का दौर चल रहा है तो लोग एकदम धार्मिकता कहती भाग रहे हैं। भले हम लेकिन धार्मिकता के ओर भागब और धार्मिकता दिखावा करब यह अलग अलग बात, दोनों अलग अलग बात, अलग अलग बात। हमें ऐसा लग रहा है कि अपना बहुत सारे ऐसा कर्मचारी ऐसा अधिकारियों को जानत हो जो उन सकारे से 3 घंटा पूजा करत हुई हैं। हाँ, लेकिन मजाल का अपना बिना रिश्वत दे उनसे कोनो काम करा भाई। का होते कि जब समाज में अपराध बढ़त है तो वह अपराधी जौन है तो फिर बचे की तिर भगवान के शरण में जा थी। तो समाज का भ्रष्टाचार तो अपना देखिन रहे ने और ओहिन के वजह से नहीं अधिकांशतः लोग ये टाइम देखी। अरे हम कहिए कैसन कर्मचारी जानी थे, जय माई की, जय कांतानाथ। अरे और उनके पूरे दिन में अपना ये देखी रामनवमी के टाइम उन्हें देखी तो कहा को जूता नहीं पहरे आए। हाँ, और को मार खौरे है चंदन। हाँ, और को बस बैठे वैसे को कुछ लोग तो 9 दिन बोलती नहीं आए। अब अपने तो ये सब दिखावा माने वो एक कि बाह स्वरूप कुछ है अंदर से कुछ है। हाँ, तो चलिए ठीक है, धीरे 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 साहित्य सुनकर मनो परिवर्तित हो। ये प्रथम दौर आया है, प्रथम चरण आ चल रहा है कि भ्रष्टाचार से लोग धार्मिकता कई भग रहे हैं। तो एक ने अब देखी रामनवमी चलत रही, हम देखें तिवारी जी जैसे अपना कहें कि लोग एकदम से धर्म कैती भग रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो बेचारे ढनगत जा रहे हैं। नहीं, अब अपना देखी बहुत बड़ी रैली निकाली जाती। हाँ, हर शहर में रैली निकालने वाले। हाँ हाँ, जो रैली निकाल रहे हैं को GST के चोरी कर रहा है। हाँ, हाँ, कोई इनकम टैक्स के चोरी कर रहा है। हाँ, माने चोरी सब कर रहे हैं। हाँ, और चंदन लगा के इतना बड़ा माने धार्मिक हुए कब माने। हाँ, अरे वो छटा देखी जितनी देर। हाँ, निकल तो यह लागत रहा कि माने माने जो राम राज्य बैठे त्रिलोका वाली स्थिति है कि माने अब राज्याभिषेक होने वाला है और ये राज्याभिषेक की प्रजा है माने बिल्कुल हर्षित है। हाँ, राम और राम पूरे पूरे क्षेत्र में राम राज्य हो गया है। अब न यहाँ अत्याचार हुई, न भ्रष्टाचार हुई, न कहा तिवारी जी धार्मिकता तो लोगन में आ रही लेकिन दिखावा ज्यादा आ रहा है। बड़े बड़े आयोजन। हाँ, माने छोट सत्यनारायण विलुप्त हो रही। हाँ, जौन छोट से लेके बड़े आदमी के सिखावत रही कि सत्य के रास्ता में चला जाए। हाँ, वह विलुप्त हो रही। हाँ, अब वो बड़े बड़े आयोजन हो रहे, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े यात्रा निकलती हैं धार्मिक। तो अब कहा है कि ये दिखावा का युग ज्यादा आएगा है, समाज में दिखावा ज्यादा बढ़ गया है। माने अब ऐसा कोनो माने जन्मोत्सव ऐसा कोनो जयंती नहीं आए। हाँ, जो जयंती में और जो जन्मोत्सव में भंडारा न हो। कल अपना देखे हो अब। हाँ, कि अगर छोटो को हनुमान जी कहो भी राजे तो वहाँ भंडारा चल रहा है। हाँ, माने हजारन भंडारा। हाँ,
काल देखें और बढ़िया होगा जैसे को उत्सव कौनो चला। चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि हराम में तुम कमाना, हाँ। भगवान के नाम में तुम गरीबन का या भंडारा के नाम में खवा, हाँ। चलियो ठीक। लेकिन वह जो कि तुम देवी पूजा कर रहे हैं या कोनो भी माने धार्मिक आयोजन इतना बड़ा कर रहा है, आयोजन तुम्हारा उतना बड़ा है और मुंह तुम्हार इतना घिना है, हाँ। कि हर माने आजकल जैसे अपना कहें ना कि सामाजिक बदलाव होता है, हाँ। तो सामाजिक बदलाव पुराना जमाना ऐसा रहा कि को अगर गाड़ी दे देता रहा तो वह लठ चल जाता, हाँ। है ना, हमें गाड़ी कह दिए आजकल वह हो चुका अभिवादन प्रचलन, माने बिना गाड़ी दे को बात नहीं करता। अच्छा कहा कि जो जिनमें से बदलाव होते रहे जिनकर समाज में कुछ माने असर पड़त रहा है वह विलुप्त हो जाते हैं, जिसे हम बताएं ना सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा जब सुनत रहे हाथ जोड़ के बैठत रहे तो वो कथा होता सुना कि यह कहाँ कि भाई सही बोले सच बोले न बोले से वह साधु नामक बैस की ना ही हालत हुई तो वह विलुप्त हो गए। और कुछ आयोजन को करे तो नियुक्ता करे जब तो कहें भाई पांठ ब्राह्मण खवा दिया और ब्राह्मण जब आवे तो बड़े धार्मिक भाव से बड़े प्रेम भाव से उनका पांव धो के उनका खवा में और उनसे आशीर्वाद लें और वो ब्राह्मणों आशीर्वाद दें कि भाई खुश रहा और सत्य के रास्ता में चला। तो ये दोनों छोटी छोटी चीज़ जो रही तो विलुप्त हो गई। अब ब्राह्मणों को नहीं खवा बताए कुछ जो तो कि भंडारा, अब भंडारों के तक है भाई काले हम बताए थे कि कई जन तो हमसे नाराज हो गए, हाँ, कि हम भंडारा में गए नहीं। अब 500 जगह भंडारा है, हम अकेले कहाँ कहाँ जाए, अकेले कहाँ कहाँ जाई, और जावो करब तो का हम भूखे आएं कि वो भंडारा के माथे हमारे भूख मिट जाके खाए तो है ये है भाई। तो कई जगह ऐसन जगह भंडारा भी जहाँ लोग कहें कि हराम के पैसे से भंडारा हो रहा है, हाँ। अब का करी हुई का कही मनाई माने ये तर के भाई दिखावा करे का कहा मतलब है, का मतलब है भाई वह है जौन जौन तुम भंडारा करते है ऐसा तो नहीं है कि 10-25-50 हज़ार ना खर्चा हुआ तो भंडारा में वह 10-25 पर भगवान के बढ़िया जन्मोत्सव मनावा हनुमान जी के जन्मोत्सव मना के नहीं बढ़िया प्रसाद के वितरण कर दिया आ जो 15-50 हज़ार भी मतलब में जो कौनो अर्थ नहीं बताई कुछ मजा आवत तिवारी जी भंडारा में। भंडारा में देखिए भंडारा का मतलब है कि जेखे लगे बिचारे के लगे खाए पिए व्यवस्था न हुए वह भंडारा में शामिल हो भंडारा वहाँ खींचती रहा है कि जैसे अब शारदा देवी है तमाम देश देशांतर से लोग आ रहे हैं भूखे प्यासे आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है तो हम भंडारा करके वहाँ उनका व्यवस्था बना दे। और यहाँ हमरे घर के बगले में पांठ भंडारा हुई रहे तो हम कहाँ भर जाइए हम ही जरूरत तो नहीं है मैं माने घर में खाना खाएं है और फिर कहूँ जा रहे हैं तो भाई रायता पिया दिया कहूँ जा रहे ले कुछ खवा दिया एक खाइए खा लिया अरे अहू कह रहे हैं कि यहाँ नहीं खावे करा तो मजा नहीं आवे। वह जो 15-50 हज़ार रुपया हर मंदिर में भंडारा के नाम में खर्चा करे थे वो इनका कलेक्ट करके नहीं गरीब गुरुअन के पढ़ाई माही गरीब गुरुअन के दर दवाई माही या कर देना कि हनुमान जयंती के अवसर पर इतने मरीजन का ही अनुदान कर हम इतने गरीब घर के जो लड़का बच्चा उनके पढ़ाई में फीस दे दिया किताब दे दिया या कि कौन गरीब आदमी है को के कन्या का विवाह है तो हम हनुमान जयंती के अवसर में ही ताबड़े लगे कलेक्शन हम एक संकल्प की है कि को कौन गरीब के बिटिया के काजे में 50,000-1,00,000 रुपया लगा दिया यतर के अगर बात मिला के बात का एक निष्कर्ष यह निकला लेकिन दिखावा फिर कहाँ से हुई कि हम धार्मिक आदमी है आइया मोड़ जो उन्हें तो इतना है कि माने अब धार्मिकता तो कम रह गई धार्मिकता का दिखावा जो उन समाज के अंदर जो उन बढ़ रहा है ये समाज की तीर अच्छा ना हो ये तर के आयोजन कौनो युग में नहीं हुआ रहे जो उन मेर के अब है पता नहीं कौन पद्धति एकदम से आ गई है। तो कुल मिला के एक निष्कर्ष ये निकला कि धार्मिक लोग धार्मिक कम है बल्कि धर्म के नाम पर दिखावा ज़्यादा धर्म के नाम पर दिखावा ज़्यादा है। अच्छा कहा तिवारी जी कि हनुमान जी का तो मान लिया हनुमान जी के मंदिरों खूब अहम है हाँ हनुमान जी के मंदिर तो रामचंद्र जी से ज्यादा है अगर गिनती जाए तो काल अपना जो है हाँ। तो साहित्य समाचारों चलाए हाँ चलाए ना कि भाई राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर राम से ज्यादा हनुमान जी के काहे के मंदिर है तो ओकर वजह यह आई थी तिवारी जी साधारण सी है कि हनुमान जी की मूर्ति धर लिया बहुत ज्यादा उन सेवा नहीं मांगता है बहुत ज्यादा न कहो लिखा है कि बहुत दो टाइम घंटा घड़ियाल बाजें भोग लागे बहु यह करा वह करा कुछ मंदिर में है जो थोड़ा बहुत करा थे लेकिन हनुमान जी ऐसे हनुमान जी शंकर जी इतने सरल देवता यहाँ हैं अपन
कि धल लिया एक लोटिया पानी डाल लिया, हाथ जोड़ लिया होगा, तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया होगा, तो बात खत्म। रामचंद्र जी के मंदिर जौन है तो रामचंद्र जी के पूजा बड़ी कठिन है। राम जी की अगर मूर्ति धर ली गए तो यह माना जाता है अपने सनातन धर्म कि वो श्री मूर्ति आए, राम जी की मूर्ति है, कन्हैया जी की मूर्ति हो गए, अब अगर मंदिर में विराजित है तो श्री मूर्ति आए। अश्री मूर्ति के एक अपन विधान है कि बाकायदे उनका पट सवेरे खुला चाहिए, और पट जब खुले तो उनका मंगला आरती हुआ चाहिए, फिर मंगला आरती के बाद उनका भोग लागा चाहिए दोपहर के, फिर पट बंद हो जा चाहिए, फिर 4 बजे पट खुले, फिर उनका संध्या आरती हो, फिर शयन आरती हो। तो यहाँ कहा कि बड़ी कठिन सेवा है, ऐसे लोग कम करते। और फिर धार्मिक तो एक यही कि देखिए कलयुग के राजा तो हनुमान जी का माना गया, जब रामचंद्र जी जहाँ लाग अभी हम राजेंद्र दास जी के एक प्रवचन सुनत रहे तो उनमें बताएं कि जब वो जहाँ लाग तो हो गया भाई, जितने उनके परिवार में रहे भरत के लड़का रहे पुष्कल तक्ष, तो उनका दूसरे कई थी राज दई दीहीन, लव कुश का यहाँ दिशा उदिशा कई यहाँ के राज दई दीहीन, शत्रुघ्न जी का अपन जौन है तो मथुरा उथुरा का राजा बना दीन, और राम जी अपन महाप्रयाण करें कि स्थित में जब आए कि भैया ये संसार से हमारा काम खत्म हो गया है, अब हम का साकेत धाम पधारें कहें, तो यह भा कि भाई अयोध्या का राजा के ही बना हुआ जाए। तो रामचंद्र जी स्वतः कहें कि अयोध्या का राजा हम हनुमान जी का बनाई थी बनाओ, और अयोध्या के राज सिंहासन में राम जी का हनुमान जी का राज्याभिषेक हुई। तो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है अयोध्या में वह हनुमान जी का राज्याभिषेक वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ राम वो करके नहीं और उन्हीं चिरंजीवी कर तो है हनुमान जी। तो यह माना गया कि भाई कलयुग में तुम ही रहा के या कलयुग का संहारे का है, ऐसे हनुमान जी के जगह 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 थोड़ी को कुछ को ही जाते तो हनुमान जी के शरण में जाते, हनुमान जी की सेवा थोड़ी सरल ही। राम राम जप उनके उम्र लिखा है नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा सब माने थोड़ी का हाथ जोड़ के नहीं हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो नासे माने वहां तो माने रोग और पीरा हर लेते और फिर दूसरा अपना देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, माने जहां जहां डर लागे लागे कि कोई भूत पिशाच अपने को परेशान कर रहा है तो कहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर अयष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, माने आठ मेर की सिद्धियां होती हैं सब हनुमान जी के पास है, वो ही दे सकते हैं जितनी निधियां आई सब तो ऐसे माने उनके कहीं ज्यादा भाग रहा है। राम जी वाले में बड़ा कठिन मार्ग है, एक तो राम 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 जपत रहा है, गुरुदीक्षा संस्कार जब अपने होते तो गुरु के आज्ञा होती है कि प्रतिदिन 26,000 माला का जाप करा, अब लिया हम अपना 26,000 का माला जाप करे कर सकी थे संभव नहीं है, संभव ही नहीं आज के माने काम काज के दौर में माने हाँ। जीवन ठप हो जाइए जो काम धाम हाँ। माने करी तो खाई का तो शॉर्टकट वह है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो या अपना के जो प्रश्न रहा कि हनुमान जी के काहे मंदिर है तो हनुमान जी शॉर्टकट आए, हनुमान जी माने ज्यादा भक्त से सेवा सब महाभूत दिखा जाए पिशाच दिखा जाए को मारे के दौलत आवत हो या कुछ हो तो हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी के कलयुग में बड़ी प्रतिष्ठा ही और लोग अब शॉर्ट करके रास्तों में चला थे ऐसे जगह जगह हनुमान जी को मिला। एक बात ये सिद्ध हुई है कि धर्म के दिखावा ज्यादा है और हनुमान जी के पूजा सरल ही, ऐसे लोग हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा ज्यादा हो रही है, लोग हनुमान जी की पूजा ज्यादा करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई, ये निकही चर्चा है। राम राम भैया।